हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं इनखबर.com। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आज रिलीज हो गई है, मगर इस रिलीज के दिन इस फिल्म को दो दो झटके लग चुके हैं। पहले हम आपको इस फिल्म के बारे में बता दें। ये फिल्म आप जान रहे हैं बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान और महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म है, और दोनों पहली बार इतिहास में एक साथ किसी एक फिल्म में काम कर रहे हैं। और इस फिल्म में कई और चेहरे हैं, फातिमा सना शेख हैं, कैटरीना कैफ है, और माना जा रहा था ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी। इसका बहुत बड़ा बजट था, 310 करोड़ रुपए का। यशराज फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बन रही थी, बहुत ही बड़ी फिल्म थी, नंबर ऑफ स्क्रीन में ज़्यादा रिलीज होने वाली थी, और इस फिल्म के टिकट का दाम भी ज़्यादा रखा गया था। और जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें आमिर खान के रोल, जो आप जान रहे फिरंगी का रोल है, और उस रोल में उन्होंने बखूबी परफॉर्म किया है, और जो उनकी पिछली फिल्म में जो उनका कैरेक्टर वो अपनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी फनी है। लेकिन इस फिल्म में एक्शन बहुत है, और इस फिल्म में सबसे बड़ी बात है अमिताभ बच्चन ही बहुत सालों बाद एक्शन करते हुए दिखने वाले हैं। वैसे आपको बता दी, इस फिल्म का जो डायरेक्शन है विजय कृष्ण आचार्य ने किया था, जो इससे पहले धूम 3 आपको याद होगा, धूम 3 फिल्म का भी डायरेक्शन कर चुके हैं। इससे पहले वो धूम के 1, 2 जो इतने भी वर्जन आए थे वो इन्होंने लिखा था, तो धूम 3 इन्होंने डायरेक्ट किया। और ये आमिर खान के साथ इनका दूसरा प्रोजेक्ट था, धूम 3 में आमिर खान थे और इन्होंने डायरेक्ट किया था। और ये फिल्म को माना जा रहा था ग्राफिक्स की वजह से, VFX की वजह से बहुत ही शानदार फिल्म है, क्योंकि ये हमारे 1800 के जो दशक था जिस वक्त अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ था, उस दौर की फिल्म है। कैसे किसी राजा के आपको गढ़ को, किसी साम्राज्य को अंग्रेज़ों ने कैसे हत्या करके हड़प लिया था, और उसी का बदला अमिताभ बच्चन लेते हैं। यही इसी पर ये फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म को आज दो दो झटके लग गए हैं। पहला झटका क्रिटिक्स की तरफ से लगा है, जिन्होंने कहा है ये फिल्म औसत दर्जे की फिल्म है, ये उतनी बड़ी फिल्म नहीं बन पाई। टेक्निकल फिल्म शानदार है लेकिन कहानी उतनी दमदार नहीं है, और माना यह भी जा रहा है कि आमिर खान की अभी हाल फिलहाल की सबसे औसत दर्जे वाली फिल्म है। और दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा है, ये फिल्म अब ऑनलाइन लीक हो चुकी है, पूरी फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है। तमिल रॉकर्स नाम की एक वेबसाइट ने इस फिल्म को लीक कर दिया है। तमिल रॉकर्स ने इससे जस्ट पहले कल ही तमिल के एक और सुपर डुपर स्टार विजय की बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी थी सरकार, वो जो रिलीज हुई है और उस फिल्म में अच्छा कारोबार भी कर रही थी, इन उस फिल्म को भी लीक कर दिया है। और इसके बाद बता दें, इसके बाद तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल सामने आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा था इस साइट को बैन करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी फिल्म के साथ ऐसा ना कर पाए। और उसके बाद उन्होंने थिएटर मालिकों के लिए एडवाइजरी की थी कि थिएटर मालिक भी अपने यहाँ एक स्पेशल कर्मचारी रखे जो ध्यान दे कि फिल्म हॉल में, सिनेमा हॉल में कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन से, कैमरा से फिल्म की रिकॉर्डिंग ना कर पाए। अब देखना होगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को ये जो मूवी लीक हुई है ऑनलाइन, ये कितना नुकसान पहुंचाती है। वैसे आपको बता दें, तमिल रॉकर्स लगातार फिल्में लीक करती है। इससे पहले काला, जो आपको बहुत ही शानदार मूवी थी, उस फिल्म को भी इन्होंने लीक किया था, लेकिन उसके मार्केट को उतना प्रभावित नहीं कर पाई थी। आप जानते हैं जो संजू मूवी आई थी, संजय दत्त की लाइफ बनी थी, वो भी ऑनलाइन लीक हो गई थी, फेसबुक पे अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी संजू ने आज तक इस साल का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मूवी का रिकॉर्ड बनाया, 341 करोड़, 341 करोड़ कमाई। अब देखना होगा क्या ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कितना कमा पाती है, और क्या ये लीक इस फिल्म को प्रभावित कर पाएगी या नहीं। लगातार इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।